जय हिंद दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ जो हाई स्कूल का साइंस चल रहा है। हाई स्कूल के साइंस को हम लोग सीरियल बाय सीरियल पढ़ते आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यात्म का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अध्ययन करने वाले हैं धातुएं एवं अधातुएं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दें, जो प्राकृतिक में अब तक लगभग कितने 118 तत्वों की खोज हुई। कितने तत्वों की खोज हुई दोस्तों? 118 तत्वों की अब तक खोज हुई है प्राकृतिक में दोस्तों, जिसमें से केवल आपको ये बता दे कि जिसमें से मात्र केवल आपका 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक में पाए जाते हैं। कितने तत्व प्राकृतिक में दोस्तों पाए जाते हैं? मात्र 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, और शेष जो आपका 26 तत्व है, शेष जो 26 तत्व है, ये 26 तत्व प्रयोगशाला में संश्लेषित करके बनाए जाते हैं। मतलब संश्लेषित का मतलब होता है प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको हमने दे दिया। तो क्योंकि ये जो इसको बताना इसलिए जरूरी था कि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि एक नंबर में ऑप्शन टाइप पूछ दिया जाता है कि जो हमारे आवर्त सारणी में है या प्राकृतिक में कितने तत्व है, ऑप्शन दे दिया जाता है। तो ऑप्शन में आपको कौन सा सही करना है? 118। 92 तत्व ये आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये भी ऑप्शनल कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो प्राकृतिक में जो है केवल मात्र कितने तत्व पाए जाते हैं? 92 तत्व पाए जाते हैं, जबकि प्रयोगशाला में कितने तत्व बनाए जाते हैं? 26 तत्व। दोस्तों इस अध्याय में हम लोग धातु, अधातु और उपधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें तो पाठ का नाम तो है धातु है और अधातु है, लेकिन उपधातु के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। बाद में पूरे चैप्टर में धातु अधातु का ही अध्ययन करेंगे। तो धातु अधातु के अध्ययन करने से पहले दोस्तों आपको कुछ शब्दावली का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कुछ शब्दावली का ज्ञान होना, कौन कौन शब्दावली? ये चार शब्दावली का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक है भंगुरता, एक है तन्यता, एक आघात दर्दनीयता और एक ध्वनि। सबसे पहले दोस्तों भंगुरता किसे कहते हैं? तो भंगुरता दोस्तों, भंगुर भंग माने टूटना, भंग का मतलब होता है टूटना, टूट जाना। यदि किसी धातु अधातु, कोई भी धातु या धातु हो ठीक है, अगर उसको हम पीटते हैं, पीटने पर अगर टूट जाए, चाहे वो धातु हो और चाहे अधातु हो, अगर हम लोग पीटते हैं, अगर वो टूट जाए ठीक है, चूरमा बन जाए उसका, जैसे मान लो कि अगर हम उसको तेज हथौड़ा से मारते हैं और इसमें कई भाग हो जाए, 10-12 भाग हो जाए, इसका मतलब है उसमें कौन सा गुण है? भंगुरता गुण है। ये भंगुरता गुण किस किस में होते हैं? जैसे सल्फर, फास्फोरस, ये सब तत्वों में क्या होते हैं? भंगुरता गुण पाए जाते हैं। भंगुर मतलब क्लियर दोस्तों, भंगुर का मतलब भंग जाना, भंग जाना का मतलब टूट जाना। इसके बाद आता है तन्यता। दोस्तों भंगुरता तो आप दोनों में पाएंगे हम लोग, धातु अधातु दोनों में पाएंगे हम लोग ठीक है। धातु को भी तोड़ दो, अधातु को भी तोड़ दो, धातु को भी तोड़ेंगे कई भागों में अगर टूटेगा तो भी वो भंगुरता, अधातु को तोड़ेंगे कई भागों में टूटेगा तो भी वो भंगुरता। लेकिन तन्यता का गुण जो है ये दोस्तों विशेषकर खासकर धातु में ही पाए जाते हैं। तन्य का मतलब क्या होता है? तन्य का मतलब होता है तार, तन्य का मतलब तार। यदि किसी धातु को अगर हम लोग मान लो कि पीटते हैं या कुछ भी करके अगर पतली तार के रूप में बढ़ाते हैं, यदि किसी धातु को पीटने पर अगर पतली तार के रूप में वो बढ़े तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे तन्य कहेंगे। तन्य का मतलब क्या होता है? तार। धातु को पीटेंगे, तार के रूप में पड़ेगा, तन्यता कहलाएगा। धातु के इस गुण को, कौन सा गुण? तार के रूप में बढ़ने के जो गुण है, इस गुण को हम लोग कहेंगे तन्यता। दोस्तों क्लियर? तन्यता किसे कहेंगे? धातु को पीटो, तार के रूप में बढ़ाओ उसको, तार के रूप में खींचो, तो उसे हम लोग कहेंगे तन्यता कहेंगे। तन्यता जैसे किस किस में होता है तन्यता? सोना, प्लेटिनम, चांदी, कापर, लोहा आदि तत्वों में तन्यता गुण पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी सी जानकारी दे दें कि तन्यता का गुण सबसे अधिक सोना में पाया जाता है।
तन्यता का गुण। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं कि तन्यता के गुण के कारण, तन्यता के कारण अगर एक ग्राम हमारा सोना हो, एक ग्राम सोना हो, तो दोस्तों अगर एक ग्राम सोना को अगर हम लोग पतली तार के रूप में खींचे, पतली तार के रूप में खींचे, तो ये लगभग कितने किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है? 2 किलोमीटर तक, जो कि लोग विश्वास करेंगे ही नहीं कि एक ग्राम सोना और 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, पूरा सत्य बात है इसमें, कोई भी इसमें आपकी त्रुटि नहीं है। 1 ग्राम सोना को हम लोग 2 किलोमीटर दूर तक तार खींच सकते हैं, जबकि हम लोग प्लेटिनम, चांदी, कापर, लोहा, इसके भी तार बनाते हैं हम लोग, ये तो लोग यूज करते रहते हैं, कापर का यूज, कापर लोहा का, एल्युमिनियम भी दोस्तों है, मैंने आधी कर दिया, एल्युमिनियम भी है इसमें दोस्तों। प्लेटिनम, चांदी, जैसे चांदी का प्रयोग, प्लेटिनम का प्रयोग हम लोग इसलिए अधिक नहीं करते हैं दोस्तों क्योंकि ये महंगी आती है, इसलिए इसका ज्यादा प्रयोग हम लोग करते नहीं, दैनिक जीवन प्रयोग उसका होता है, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं करते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन में तो करते हैं, मतलब हम लोग इसलिए नहीं करते इसका क्योंकि ये ज्यादा महंगी होने के कारण चांदी प्लेटिनम का हम लोग प्रयोग नहीं करते, मगर अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक कापर, लोहा, एल्युमिनियम, जिसको सबसे अधिक प्रयोग करते हैं कापर, क्योंकि कापर, एल्युमिनियम, लोहा और कापर, इन तीनों में से कापर सबसे अच्छा चालक भी है इसमें से, इन तीनों में से, जबकि सबसे अच्छा चालक है चांदी, इन तीनों में से लोहा, कापर और एल्युमिनियम, इन तीनों में से जो कापर है सबसे अच्छा चालक है, इन तीनों में, इसलिए कापर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सोना का एक गुण क्या हो गया कि 1 ग्राम सोना को लगभग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं हम लोग। इसके बाद दोस्तों आपका आता है आघात वर्धनीयता, तन्यता भंग माने टूटना, आघात माने होता है पीटना, आघात माने उसको पीटना, आघात करना, ठीक है, मारना। वर्ध माने बढ़ना, वर्ध माने बढ़ना, और नियता उसके गुण, मतलब समझो दोस्तों, जैसे कोई भी धातु हो अगर उसको आघात करते हैं, पीटते हैं, पीटने पर अगर चादर के रूप में फैले, मतलब फैल जाए, लंबा अगर हो रहा है तो तन्यता, अगर फैल रहा है तो आघात वर्धनीयता। यदि किसी धातु को अगर पीट दो तो अगर चादर के रूप में फैल रहा है, सीट के रूप में फैल रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है दोस्तों, तो आघात वर्धनीयता है सोना, चांदी, लोहा, कापर आदि, ध्यान देना दोस्तों, चाहे आघात वर्धनीयता हो चाहे तन्यता हो, सबसे अधिक सोना, चांदी, प्लेटिनम, इन तीन, इसमें भी प्लेटिनम है, एल्युमिनियम वगैरह है, तुमने आदि करके लिख दिया। तो दोस्तों सबसे अधिक तन्यता गुण और आघात वर्धनीयता गुण सोना, चांदी, प्लेटिनम, इन तीन में सबसे अधिक पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? प्राकृतिक में ये तीन पदार्थ जो है, सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यही तीन जो है वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए आघात वर्धनीयता तन्यता गुण सबसे अधिक होता है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है ध्वनिक, ध्वनिक पढ़ाने से पहले दोस्तों आप उसके बारे में थोड़ा सा आपको और नॉलेज दे दें। आघात वर्धनीयता मतलब चादर के रूप में फैलना, ध्यान देना दोस्तों कि सबसे अधिक फैलता कौन है? सोना, चांदी, प्लेटिनम भी है, एल्युमिनियम भी है। दोस्तों आपको एल्युमिनियम का प्रयोग बता दें, जैसे हम लोग स्टेशनों पर जाते हैं, उसमें खाना पैक करवाते हैं, खरीदते हैं, इसमें खाना पैक हो जाता है, या हम लोग कोई भी, जैसे अभी तो मान लो कि बहुत सारा ऑनलाइन भी भोजन आने लगा है, अगर ऑनलाइन कर देते हैं तो जो भोजन पैक होकर आता है वो भोजन पैक किसमें होकर आता है? एल्युमिनियम की पत्रकों, मतलब सीट, जो पतली, देखा पतली पन्नी टाइप का होता है, वो एल्युमिनियम का होता है। इसके बाद दोस्तों जो चॉकलेट है, जो अभी मार्केट में चॉकलेट आती है, बड़ी बड़ी चॉकलेट है, वो जो पैक होकर आती है वो भी एल्युमिनियम की ही पत्रक है, पत्रक मतलब सीट। इसके बाद दोस्तों आपको और बता दें कि जैसे लड्डू वाले पेटी या मिठाइयों में, जैसे बर्फी, पेड़ा वगैरह में देखा होगा पतली पतली चादर लगा देते हैं, वो जो पतली पन्नी टाइप का होता है ये हमारा चांदी ही है दोस्तों। और बता दें जैसे आपको कि दवाइयां, जैसे दवाई जो हमारा टैबलेट आती है, एक जैसे पूरा पैक हो जाता है, पूरा पैक, वो जो दवाई है, वो दवाई का जो पैकिंग है
वो किस में होता है? एल्युमिनियम के पत्रकों में ही होता है। दोस्तों यहां पर आप समझ रहे होंगे कि एल्युमिनियम पत्रकों का प्रयोग और चांदी के पत्रकों का प्रयोग, तो देखा तो होगा आपने चांदी कितनी पतली होती है, बर्फी में देखो कितनी पतली चांदी होती है, या जो औषधि है जो टैबलेट है जो पैकिंग होकर आ रही है उसमें देखो कितनी पतली एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम और चांदी में भी जो फैलने का गुण है उसमें बहुत अधिक होता है। इसके बाद ध्वनि, ध्वनि माने होता ही आवाज। यदि हम किसी दो धातु को पीटते हैं तो धातु में आवाज उत्पन्न होता है, इस आवाज को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनि कहते हैं। जैसे इसलिए तो स्कूलों में जो घंटी है, मंदिरों की घंटी, स्कूलों की घंटी जो है वो धातुओं की ही बनाई जाती है, क्योंकि उसमें आवाज उत्पन्न, ध्वनि उत्पन्न। दोस्तों इन चारों का जो डेफिनेशन है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिख के रखा है, उससे आप लोग नोट करना, क्योंकि अब हम बोर्ड में नोट नहीं कर रहे। तो डिस्क्रिप्शन, जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, जो लाल बटन है दिख रहा होगा वहां पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद ध्यान देना दोस्तों, इस प्रकार से कुछ बना हुआ है, इस प्रकार से इस पे हाथ लगाना, इसमें तो कमेंट आ रहा है, कमेंट के अब तो कमेंट ऐसे आने लगा, इसी के पास देखा दोस्तों आपको लिखा होगा वहां पर इस प्रकार से बना होगा, वहां पर क्लिक करना हाथ से, या इस प्रकार से बना होगा तो यहाँ पर क्लिक करना तो आपको डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में हमने इसके पूरे आंसर को लिख रखा है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग अधातु और धातु दोनों में अंतर समझेंगे। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम लोग क्या इसका अध्ययन करने वाले हैं, धातु एवं अधातुओं में अंतर। दोस्तों थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको शॉर्ट में लिखा हमने, आपको फुल तरीके से समझाएंगे, आपको जब भी कॉपी में नोट करना है तो इसको फुल तरीके से ही नोट करना है, हम थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है। सबसे पहले ध्यान देना, धातु अधातु में अंतर में धातुएं जो होती है वो ठोस होती है, इसको नंबरिंग कर देते हैं दोस्तों सबसे, और आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो नंबरिंग कर देते, ये हो जाएगा वन नंबर का हो गया, ये हो गया टू नंबर का हो गया, ये थ्री नंबर का हो गया, ये फोर नंबर का हो गया, ये फाइव का हो गया, ये सिक्स का हो गया, सेवन का हो गया। इसके बाद यही ये हो गया वन नंबर का, ये टू नंबर का, ये थ्री नंबर का, ये फोर नंबर का, ये फाइव, ये सिक्स, और ये हो गया सेवन नंबर का। इसको दोस्तों मैं नंबरिंग कर दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल ये समथिंग दो नंबर के पूछे आते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सात के साथ लिखो, चार लिख सकते हो, पांच लिख सकते हो, तीन नहीं, तीन से ज्यादा लिखना, चार पांच छह सात आप जितना लिख दो नंबर पूछा, लेकिन चार तक तो दोस्तों लिखना ही है। अब ध्यान देना, धातुएं जो है वो ठोस होती है, धातुएं हमेशा ठोस होती है, किंतु जो अधातु है वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस, तीनों अवस्था में, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। धातु जैसे में लोहा की बात करो, सोना की बात करो, चांदी की बात करो, पेट्रियम की बात करो, एल्युमिनियम की बात करो, किसी की बात करो, सब ठोस है। लेकिन अधातु जैसे प्लास्टिक ठोस है, प्लास्टिक जो है वो ठोस है, जो अधातु है। इसके बाद जैसे आपका द्रव, जैसे बहुत सारे पदार्थ जो है, यानी धातु और मतलब धातु जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों की अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस वाला जैसे प्लास्टिक हो गया, अब प्लास्टिक को गर्म कर दो तो वो द्रव में बदलेगा, प्लास्टिक को गर्म कर दो तो किस में परिवर्तन होगा, वो द्रव में परिवर्तन होगा। इस प्रकार से गैस में भी, जैसे हाइड्रोजन है अधातु है वो गैस है, ऑक्सीजन है अधातु है वो गैस है, ठीक है। लेकिन हमने इसमें क्या लिखा, पारा को छोड़कर, पारा जो है सामान्य अवस्था में द्रव है किंतु वो धातु है। इसके बाद दूसरा, धात्विक चमक होती है, धातुओं में धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक का मतलब एक विशेष चमक होती है धातुओं में। अगर धातुओं को जैसे मान लो धातु है, मान लो कि जो बाजार से खरीद के लाओगे एक सरिया, मान लो सरिया को बाजार से खरीद के लाओ, खरीदने के बाद आपने क्या देखा कि वो उसमें ऊपर चमकदार है, आपने वायु में खुला छोड़ दिया, कहीं पर खुला छोड़ दिया वायु में, कुछ समय बाद उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, किससे चढ़ जाती है, हमने फर्स्ट लेसन में आपको पढ़ा दिया। जब वो भूरे रंग की परत चढ़ गई उसके बाद कुछ समय के बाद उसको काटो, काटने के बाद उसके अंदर एक विशेष चमक होती है, उसे कहते हैं धात्विक चमक। जबकि अधातु में धात्विक चमक यानी विशेष चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर, आयोडीन और ग्रेफाइट में कुछ विशेष चमक होती है।
इसके बाद ये विद्युत जो धातु है, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, मतलब धातु जो है उसमें से विद्युत, विद्युत मतलब हो गया करंट, विद्युत का मतलब हो गया करंट, यानी करंट को भी आसानी से चलने देते हैं। ऊष्मा का मतलब हो गया अगर उसको यहां पर थोड़ा सा, मतलब ये मान धातु है, इसको थोड़ा सा यहां पर गर्म करो, यहां पर गर्म करो तो धीरे 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 उसका जो ऊष्मा है वो आगे की ओर प्रवाहित होती है। इसे कहते हैं धातु जो है वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, मतलब विद्युत को भी अपने अंदर से चलने देते हैं, ऊष्मा को भी अपने अंदर से चलने देते हैं। लेकिन अधातु कुचालक होते हैं, मतलब अधातु जो है वो विद्युत और ऊष्मा को अपने अंदर से चलने नहीं देते। जैसे ये माकर हो गया, माकर माना क्या है, अधातु है, इसको अगर गर्म कर दो तो ये पिघल जाएगा। लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर दोस्तों, इसके बाद धातु का जो घनत्व है ये उच्च होता है। मतलब घनत्व का मतलब क्या होता है, धातु धातु सब अणुओं से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो उसके जो कण है, क्योंकि धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं, तो उसका घनत्व जो है मतलब कणों की जो क्षमता है बहुत पास पास है, इसलिए उसका घनत्व बहुत अधिक है, जबकि अधातु का घनत्व क्या होता है, कम होता है। धातु गलनांक उच्च होता है, गलनांक मतलब उसको गर्म करोगे तो गर्म करते करते बहुत अधिक समय तक गर्म करना होगा, इसके बाद वो पिघलेगा, इसके बाद पिघलेगा, मतलब इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। लेकिन अगर अधातु को गर्म करते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, ये मार्कर हो गया, इसको गर्म करो तुरंत पिघल जाएगा। इसके बाद धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातु में किसका गुण पाया जाता है, तन्यता का। तन्यता का मतलब उसको अगर पीटेंगे तो पतलीता के रूप में बढ़ेगा, जबकि अगर अधातु को पीटेंगे तो वो टूट जाएगा। इसके बाद धातु में अगाध वर्धनीयता के गुण होते हैं, अगाध वर्धनीयता का मतलब ये हो गया कि अगर उसको पीटेंगे, अगर उसको हम लोग पीटते हैं तो क्या होगा कि पतली चादर के रूप में वो फैलेगा, पतली चादर के रूप में फैलेगा। लेकिन अगर अधातु को पीटेंगे तो भंगुर होते हैं। इसके पहले दोस्तों मैंने भंगुर को पढ़ाया था कि भंगुर क्या होता है, कि ये धातु अधातु मैंने दोनों में कहा था, तो धातु का एग्जाम्पल कभी कभी कोई मटीरियल रहता है नहीं, धातु में कैसे भंगुरता होते हैं, उसमें धातु में होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि मार्केटों में जो टीन लगी होती है, टीन टीन लगी होती है, टीन क्या उसमें से विद्युत, वो विद्युत का सुचालक नहीं है, बिल्कुल विद्युत का सुचालक है। अब टीन में जो पाइप लगी हुई है, लोहे की जो पाइप लगी हुई है, वो देखना कि धीरे 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 उसमें जंग लग जाता है, और अगर उसको हथौड़े से, जंग लगने के बाद अगर उसको हथौड़े से तोड़ो तो वो कई भागों में टूट जाते हैं, तो कई भागों में टूटना ही क्या कहलाता है, भंगुरता दोस्तों। तो दोस्तों आज तो हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया, इसके बाद हम लोग धातु और अधातु के जो रासायनिक गुण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट जरूर बनाइएगा। आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद जय भारत।